मॉर्निंग दोस्तों, और ये सुबह का नज़ारा छत का। आज हम कुछ काम करने वाले हैं छत पर। कुछ बारिश के पौधे जो हैं उनको हम बीज लगाएंगे। थोड़े अभी रेन लिली के हमने थोड़ी सी बल लगाए थे जो कि उग चुके हैं, देख रहे हैं आप। चार पांच ही लगाए थे। इनमें से कुछ अलग करेंगे हम। अपराजिता बहुत उगता है क्योंकि इसकी जो फलियां होती हैं बहुत सारी आ जाती हैं और उनसे फिर उग जाता है। लेकिन आपको अगर आप अपनी छत पे हरियाली फैलानी है तो उसके लिए अपराजिता बेस्ट है। धूप में भी अच्छे से चलता है, तो आप इसे लगाएं और एकदम ग्रीनरी आपके छत पे। देखो, हमने दो तीन कई जगह लगा दिए हैं। और फिर आप एक बार उगने के बाद तो आप इसको लोगों को मतलब गिफ्ट भी कर सकते हो। प्लांट को लगा के आप छोटी थैली में लगा दो और काफ़ी उग जाते हैं। हमारे तो हर प्लांट में उग चुके हैं ये। मैंने बहुत सारे तो दे दिए, देखिए। ये देख रहे हैं आप। अब इसको आपको बड़ा करना है तो आप इसे बेल बना दो। इस तरह की पीली पत्तियों को आप हमेशा हटा दें। देखिए, कोयल की इतनी मीठी आवाज आती हुई। ये रेड कलर का चंपा है, रेड कलर के फूल आते हैं। अब तो थोड़ी सी धूप तो आ गई है। और ये देखिए, देसी गुलाब में एक छोटा सा गुलाब का फूल आते हुए, बहुत छोटा। अभी गर्मी है तो थोड़े छोटे ही आ रहे हैं। ये देखिए, आंवला का पेड़ छोटा सा लाई थी मैं, आंवला ही काशी पर। और अब देख सकते हैं आप, बड़ा हो चुका है। रात को इसकी पत्तियां एकदम ऐसी हो जाती हैं, सो जाती हैं। ये पारिजात और अपराजिता तीनों ही एक बहुत ही शुद्ध शुभ पौधे माने जाते हैं। इनको एक लाइन में ही रखा हुआ है। नॉर्थ की साइड आप रख सकते हो इनको। और ये देख सकते हैं आप, ये है गुड़हल। ये देखिए, गुड़हल का ये रेड वाला कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। एकदम छोटा अगर खिला है तो और भी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। ये भी एक गुड़हल है। इसमें फूल जो है बस थोड़े दिन आते हैं। इनके फूलों का टाइम जो है ना अलग ही है। चंपा, इसका वाइट और येलो कलर है, देख सकते हैं आप। कोटला का भी खिलेंगे। अभी तो करीब 7:30 पौने 8 बजे, 9 बजे तक खिलते हैं। बस छत पे ये प्लांट लगाने का ये है कि आपको ग्रीनरी मतलब छत पे लेनी है तो बहुत अच्छा लगता है आके जब आप हरे हरे पौधे देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप पौधों को है ना यहाँ पे प्लास्टिक की थैली में भी लगाओ या मिट्टी के उसमें लगाओ, तो प्लास्टिक के जो ये ग्रो बैग आते हैं उनमें लगा लो। एक छत पे वजन भी नहीं आएगा और हवा से गिरते हैं तो आपके गमले टूटेंगे नहीं। मेरे 4-5 गमले टूट चुके हैं जब जब वो आई थी। ये देखिए, ये वाला गमला टूट गया था, मैंने इस ब्लू कलर के इसमें ही डाल दिया है। ये हमारी तुलसी देख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा तुलसी उग जाती है मैं उसे ऐसे ही डाल देती हूँ और जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं जब ज़रूरत होती है। ये देखिए, एलोवेरा हमारे काफ़ी सारा हो रहा है। मैं कल तोड़ के लगी थी,
इन एलोवेरा के आप बहुत सारे